आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिलाल ग्राम पंचायत की ओर, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आ गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लॉरी जो है वो पलटी हो गई है। और अच्छी बात ये है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, यानी किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, किसी के मरने की खबर नहीं है। लेकिन क्या प्रशासन, क्या ग्राम पंचायत किसी के मरने की खबर आने का इंतज़ार कर रही है? क्या प्रशासन एक बहुत बड़ी घटना होने का इंतज़ार कर रही है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पिछले एक सालों से यहाँ का काम बंद है। और पिछले कई महीनों से ये पहली घटना नहीं है कि यहाँ का ट्रक पलटी हुआ। इसी तरह की घटना पिछले महीनों में 2-3 बार हो चुकी है। इस घटना को रोकने के लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए, लेकिन यहाँ की ग्राम पंचायत, यहाँ के सरपंच, यहाँ के सदस्य, यहाँ के ट्रैफिक वाले, यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, अब तक गहरी नींद में सो रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए। हमारे साथ एक वरिष्ठ सोशल वर्कर सूचना के मौजूद हैं, नईम भाई। हम नईम भाई से पूछते हैं कि अब आखिर क्या वजह है कि यहाँ का काम नहीं हो रहा है? आप थोड़ी सी जानकारी हमें इस बारे में दीजिए। देखो, मैं तो यहाँ पे, मेरा भी यहाँ काम चालू है सैलार में, तो मैं आए दिन यहाँ पर गाड़ी पलटती रहती है यहाँ पर, और कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना शासन ध्यान दे रहा, ना प्रशासन ध्यान दे रहा, ना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। यहाँ पे मेरी मांग है कि उसके ऊपर केस होना चाहिए, और कुछ भी रहेगा तो मैं बराबर वहाँ पर आऊँगा उसके लिए देने के लिए। अभी 2 बाइक वाले बचे हैं जाते जाते, अगर वो बाइक वाले चले जाते यहाँ से, अगर वो मर जाते तो इसका जवाबदार कौन होता अपना? सब बोलते अपना अरे बोल के रह जाते। नहीं भाई, ये बताइए, ठेकेदार जो है गहरी नींद में सोते रहते हैं, सब लोगों को मालूम रहता है कि ठेकेदार का और प्रशासन के अधिकारियों का या सरपंच का कुछ साठ गांठ होता है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो साठ गांठ रहेगा तो कहाँ से एक्शन होएगा? सब सोते हुए पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आम जनता मर रही है ना, यहाँ पर पब्लिक मर रही है। यहाँ पे अगर गैस का टैंकर जाता होता, अगर पलट जाता तो यहाँ पे पूरी सलम बस्ती है क्या हो जाता है? या पेट्रोल का टैंकर जाता होता अगर पलट जाता तो क्या होता है? यहाँ पर पूरी बस्ती खत्म हो जाती है। तो यह रोड या तो एकदम इसको सील किया जाए, बंद किया जाए, या तो भर के उसको ख़त्म किया जाए, यानी काम जब तक नहीं होता है अपना, या तो अपना इसको, मेरा मांग है कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस होना चाहिए। बिल्कुल, इनकी मांग ये है कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस होना चाहिए। और ये तब पता, ये आम बात भी है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए। मैं अपने सहयोगी नीलम तिवारी के साथ सुल्तान कुरैशी। चलिए बोलिए। नमस्कार भाई बहनों, सर यहाँ पर आज एक्सीडेंट हुआ है, आप यहाँ के रहवासी और इस घटना को हमेशा आप बता रहे होते रहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी है? नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम मनमोहन सीताराम भोईर है, मैं प्रहार जनशक्ति पार्टी का जिला संगठक हूँ। ये रास्ते का काम जो है, ये भिवंडी वाड़ा रोड है, इस रास्ते का काम ये पिछले एक साल से हो रहा है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है मेसर्स मयूर कंस्ट्रक्शन के मालिक बालकृष्ण ठाकरे, इस रास्ते का काम करे, सेलार गांव में काम हो रहा है, पिछले एक साल से काम हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, उनको पूछने वाला कोई है नहीं। अभी देखो, ये मई महीने के आखिरी सप्ताह में ये काम छोड़ के चले गए हैं। ऊपरी हिस्से का काम हुआ है रास्ते का, निचले हिस्से का काम नहीं हुआ है। अब ये तीसरी चौथी बार गाड़ी पलटी हुई है। देखो, किसी की जान नहीं गई, हम भगवान की प्रार्थना करते कि भाई किसी की जान नहीं गई इस घटना में। लेकिन ये वरिष्ठ अधिकारी जो है, जो रास्ते से संबंधित है, जैसे कि सहायक अभियंता श्रेणी एक सचिन धात्रक है, थाना के कार्यकारी अभियंता है परदेशी मैडम, और अधीक्षक अभियंता कामलेसर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भिवंडी तालुका, तहसीलदार भिवंडी आदिक पाटिल, और अपने प्राण साहब, सबको पत्र दिया है, फोटो के साथ दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सब नीति भ्रष्ट लाजखोर अधिकारी है, इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये बस अपना जीवन ऑफिस में बिठा के जीवन बिताते, एसी ऑफिस में बैठते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं। सर, इसका मेन जिम्मेदार कौन? इनका मेन जिम्मेदार ये कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी है, इनकी मिली भगत है ना, इनके मिली भगत से ये हो रहा है। तो क्या वजह है कि एक साल से ये काम रुका हुआ, क्यों? अभी उनको समझ में आना चाहिए ना कि ये काम क्यों रुका है, वो तो जगह पे आते नहीं। इधर अधिकारी को यहाँ आके देखना चाहिए, हम जब आम इंसान को ये समझ में आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो उनको तो आके देखना चाहिए, नहीं आते, उनको लेना देना नहीं ना जनता से। फोटो के साथ दिया है, सब लेखी पत्र दिया है, सभी अधिकारियों को दिया है, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। यहाँ के जो सरपंच है किरण चन्ने, वो तो यही गांव में रहते,
इसी गांव के रहवासी, उनको तो देखना चाहिए। सरपंच की जिम्मेदारी है कि गांव में अपने विकास काम हो रहा है तो उसकी तरफ देखना उनका काम है। तो सरपंच क्यों नहीं देखे, क्या वजह? कुछ आप उसमें एक थोड़ा सी रोशनी डालिए कि क्यों नहीं देखे। उनका भी कुछ ठेकेदार के साथ सांठगांठ होगा, यही जानना चाह रहे हैं। उनका अगर सांठगांठ है उनके साथ तो नहीं कर सकते कार्रवाई। गांव के जो सदस्य हैं वो भी यहीं पे रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं। 17 सदस्य की ग्राम पंचायत है सेलार ग्राम पंचायत, बड़ी ग्राम पंचायत, लेकिन कोई भी इसी काम की तरफ नहीं देख रहा है। सब ने तीन चार बार घटनाएं हो चुकी है, दो बार कंटेनर पलटी हुआ था, पिछली 4 तारीख को ही हुआ था, अभी है 4 अगस्त को। सब पूरी जानकारी दिया है उनको, लेकिन उनको कुछ लेना देना है ही नहीं ना। बस चक्कर काटते रहने का, अपन लोग ऑफिस में जा जाके पत्र देने का, ऑफिस में चक्कर काटते रहने का, उनको कुछ लेना देना नहीं। हमारे जो तहसीलदार साहब हो तो फोन तक नहीं उठाते। अच्छा, रास्ते की व्यवस्था इस तरीके से है यहाँ पर, का आरटीओ लगाना जरूरी नहीं था? कोई आरटीओ का ऑफिसर भी यहाँ में नहीं है? देखो, यहाँ आरटीओ का पुलिस का अधिकारी होना चाहिए, बैरिकेड्स होना चाहिए यहाँ, लेकिन है क्या, देख रहे इधर कुछ भी नहीं। यहाँ बाकायदा बैरिकेड्स होना ही चाहिए, अगर बैरिकेड्स होते तो घटना घटती नहीं ना, लेकिन वहाँ यहाँ बैरिकेड तो है ही नहीं। देखिए, आप ही देखिए सर। तो कभी इस बारे में आपने आरटीओ को या पुलिस को भी जानकारी नहीं दी कि यहाँ पर कोई ऐसा? तो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब को तो पत्र दिया है ना, लेकिन वो कहाँ ध्यान देते हैं अपने भिवंडी तालुका के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है उनको पत्र, बगल में चौकी भी है भिवंडी तालुका की, उनको कुछ लेना देना नहीं। ये कोई मरने की राह देख रहे कि कोई यहाँ से चला जाए इस दुनिया से, तब उनको शांति मिलेगी। अभी जो दुर्घटना हुई उसमें किसी को हताहत, कोई जख्मी हुआ? कुछ नहीं हुआ है, किसी की हताहत नहीं हुई है, सब किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये घटना होती है बता कर तो नहीं होगी ना। कोई अगर जा रहा है यहाँ से, हजारों लोग जाते हैं, हजारों गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन यहाँ कोई ध्यान देने वाला है नहीं, उनको कोई पूछने वाला है। आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी के मरने की राह ना देखें और जल्द से जल्द ये काम रास्ते का पूरा हो जाए।